प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज आपके बीएससी पार्ट सेकंड का जो पेट्रोलॉजी हम देख रहे हैं, उसमें जो इग्निस रॉक्स का सेक्शन है आपके सिलेबस के हिसाब से, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। उसमें आज हम एक नया टॉपिक आपका डिस्कस करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है आपका टेक्सचर्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, यानी आग्नेय शैलों का गठन। उसका गठन किस प्रकार का है आग्नेय शैलों का, हम उसकी बात आज करने वाले हैं। गठन मतलब ऐसे ग्रेन्स या ऐसे कण जिनसे कि वो रॉक बनी है, वो शैल आग्नेय शैल बनी है, उनकी व्यवस्था उस शैल में, उस रॉक में किस प्रकार की है, वो उसका गठन या टेक्सचर कहलाता है। यानी रॉक्स को बनाने वाले जो ग्रेन्स हैं, उन ग्रेन्स की क्या साइज है, क्या उनकी शेप है, उनका अरेंजमेंट किस प्रकार का है, उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, तो इन सब बातों को हम इन टेक्सचर में, आग्नेय शैलों का जो टेक्सचर है या गठन है, उसमें हम इन सब चीज़ों को सम्मिलित करेंगे। देखिए, ये जो आपका सेक्शन है, पहला सेक्शन पेट्रोलॉजी का, वो सारा का सारा मैग्मा या लावा या उसके साथ साथ इग्नियस रॉक्स पर बेस है। तो इससे पहले आपने, अब चूंकि इसको यदि आपको टेक्सचर को पढ़ना है, तो थोड़ा सा आपको मैग्मा के क्रिस्टलाइजेशन को समझना पड़ेगा, थोड़ा सा उसके कंपोजिशन को समझना पड़ेगा। तो इसको हम पहले, इसीलिए हम पहले इस सेक्शन में कंपोजिशन ऑफ मैग्मा और क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा इसको हम पढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ हम फॉर्म्स ऑफ इग्नियस रॉक्स जो है उसको भी हमने पढ़ा, और जो स्ट्रक्चर्स हैं इग्नियस रॉक्स की, जो संरचना है, उसको हमने पढ़ा। तो इन्हीं सब चीज़ों का को मिला जुला के आज हम जो टेक्स्चर की बात करेंगे, जो गठन की बात करने वाले हैं, वो इग्निस रॉक्स की, उसको हम अभी चर्चा कर रहे हैं। तो इसके लिए हम कर रहे क्या कह रहे हैं कि किसी भी इग्निस रॉक्स की यदि हम टेक्सचर की बात करें, तो हम उसको बनाने वाले जो ग्रेन्स हैं, उन ग्रेन्स की साइज, उनका शेप, उनका अरेंजमेंट, उनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसकी हम बात करेंगे। और ये डिपेंड करेगा किस पर, मैग्मा के क्रिस्टलाइजेशन और मैग्मा के कूलिंग पर, मैग्मा के ठंडे होने की दर पर और मैग्मा के क्रिस्टलाइजेशन पर या मैग्मा के कंसंट्रेशन पर ये टेक्सचर जो है वो डिपेंड करेगा, ये गठन जो है वो डिपेंड करता है। तो आप कह सकते हैं कि टेक्सचर मींस द साइज, शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ मिनरल ग्रेन्स इन अ रॉक। द ग्रेन साइज ऑफ एन इग्नियस रॉक्स डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ मैग्मा, यानी मैग्मा के ठंडे होने की जो दर है उस पर डिपेंड करता है मुख्य रूप से टेक्सचर या जो गठन है। सामान्यतया इन जनरल, स्लोअर इज द रेट ऑफ कूलिंग, द कोर्सर इज द ग्रेन ऑफ रॉक। यानी यदि ठंडे होने की जो दर है, जो कूलिंग रेट है, वो यदि स्लो है, तो कोर्सर ग्रेन्स बनेंगे, यानी बड़े जो ग्रेन हैं वे बनेंगे। और यदि जल्दी ठंडा हो रहा है, तो फाइन ग्रेन या मीडियम ग्रेन्स के जो टेक्सचर है वो
आपको मिलेंगे। इसीलिए कहा है स्लोअर इज द रेट ऑफ कूलिंग, द कोर्सर इज द ग्रेन ऑफ ग्रॉन। तो टेक्सचर को स्टडी करने के लिए, टेक्सचर को समझने के लिए कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर आप किसी भी रॉक की टेक्सचर को आप डिफाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो वो जो फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स में सबसे पहले आता है साइज ऑफ ग्रेन्स, ग्रेन्स की साइज किस प्रकार का। पहला जो फैक्टर आप इसमें बताएंगे वो है साइज ऑफ ग्रेन्स, यानी कणों का जो आकार है। जिन आप देखिए रॉक्स जो है वो किससे बनता है, रॉक्स बहुत सारे खनिजों का मिश्रण होता है, बहुत सारे जो खनिज हैं वो असेंबलेस होके वो मिलके ही किसी रॉक का निर्माण करते हैं। तो जो मिनरल्स की या उनके कणों की जो साइज है उस पर डिपेंड करता है, साथ के साथ आपका उसकी क्या शेप है उस पर डिपेंड करेगा, शेप ऑफ ग्रेन्स की उसकी उसका आकार कैसा है, सॉरी उसकी आकृति कैसी है। साइज यानी आकार और शेप यानी उसकी क्या आकृति है उस पर डिपेंड करेगा। तीसरा जो उसका फैक्टर हो सकता है वो है म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ ग्रेन्स, म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ ग्रेन्स की कणों का आपसी सहसंबंध क्या है, आपसी जो सहसंबंध है खनिजों का संबंध वो किस प्रकार का, यानी जो कण है वो एक दूसरे से किस प्रकार का संबंध स्थापित किए हुए हैं उस पर भी निर्भर ये करता है। तो मुख्य रूप से ये तीन ऐसे आपके फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर आप खनिजों आग्नेय शैलों के गठन की आप बात करते हैं। अब जैसे ग्रेन साइज, साइज ऑफ ग्रेन की हिसाब से आप बात करेंगे तो इसके भी अलग अलग प्रकार हैं। कोर्स ग्रेन एक होता है, कोर्स ग्रेन दूसरा होता है, मीडियम और तीसरा होता है फाइन ग्रेन। कोर्स ग्रेन, मीडियम ग्रेन और फाइन ग्रेन, ये उन कणों के आकार पर निर्भर करता है। 5 मिलीमीटर से अधिक हो, 5 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर हो, या 1 मिलीमीटर से भी कम साइज हो, तो उसी आधार पर इसको कोर्स, मीडियम और फाइन ग्रेन कहा जाता है। शेप ऑफ क्रिस्टल ग्रेन्स के हिसाब से यदि हम कहें तो यूहेड्रल है ना, सब हेड्रल टाइप हो गया, और इसके अलावा आपका एनहेड्रल, तीन टाइप होते हैं इसमें, एनहेड्रल। तो यदि आप इसकी बात करें शेप के हिसाब से बात करें तो ये शेप के हिसाब से भी तीन प्रकार के टेक्सचर की बात करेंगे। यदि आप म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ ग्रेन्स की बात करें तो इसमें आपको दो प्रकार की मुख्य रूप से कह सकते हैं, एक तो इक्विग्रेनुलर टेक्सचर और दूसरा इन इक्विग्रेनुलर टेक्सचर, यानी समान कणिक और असमान कणिक गठन हो, ये हो सकते हैं। अब इक्विग्रेनुलर और इन इक्विग्रेनुलर के हिसाब से हम इसको डिवाइड करें आगे, तो और भी अलग अलग प्रकार के टेक्सचर्स हैं जिनकी चर्चा हम आगे क्लास में करेंगे। तो मुख्य रूप से जब आप टेक्सचर की बात करेंगे तो मैग्मा के कूलिंग, मैग्मा के क्रिस्टलाइजेशन, इन सब की आप बात करेंगे, और
उस आधार पर आप ग्रेन साइज, शेप, जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है ग्रेन्स का आपस में, उसके आधार पर बांटकर फिर आप टेक्सचर्स की बात करेंगे, जो अलग अलग प्रकार के टेक्सचर आपको देखने को मिलेगा। आगे का जो है हम उसको डिटेल से करेंगे, इन सभी को आगे क्लास में उसको फिर से रिपीट करेंगे।